बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज हम आपको चौक में जो है इनर लगाना सिखाएंगे, पाइपिंग इनर भी जिसे कहते हैं, पाइपिंग पट्टी भी जिसे कहते हैं, वो लगाना सिखाएंगे। ये देखें, हमने ये चौक और हम नीचे दामन में लगाना सिखाएंगे, उसके कॉर्नर बनाना सिखाएंगे और किस तरह लगाई जाती है। हमने ये देखें, पर्ल वाले ये जो इनर है जो मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बस सबसे पहले तो हम जो डबल बूट है वो हम निकाल देंगे और सिंगल बूट हमें लगाना है। ये सिंगल बूट है, ये देखें व्यूअर्स, ये दोनों तरफ से मिलता है, आपको जो सूट करे वो ले लीजिएगा। ये सीधे हाथ का है, हम इस तरह लगाएंगे, ये देखें इस तरह लगाएंगे, हम ये निकाल देंगे। व्यूअर्स, अगर आपको निकाल सकते हैं, आसानी से लगाना आता है आपको, तो ये इस तरह निकलेगा, ये बहुत ही आसानी से चेंज हो जाता है। ये देखें, ये हमने निकाल दिया है और ये इस तरह एक मिनट का काम है, ये हमने वापस लगा दिया है व्यूअर्स, और ये पेच वापस लगाने इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से चेंज हो जाएगा। ये सिंगल बूट हमने लगा दिया है व्यूअर्स, ये देखें आपके ये वाली चीज़ जो है रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। हमने इस तरह जो है ये वाली चीज़ हमें इस तरह रखनी है, अपनी शर्ट को जो है आपने उल्टा ही रखना है, सीधी नहीं करनी है। ये देखें, ये हमारी सिलाई है और यहाँ से हम इसको तकरीबन 1 इंच के फासले पर या 1/2 इंच के ऊपर के फासले से हम ये ऊपर रखेंगे चौक पर। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारे चौक सिले हुए, ये हमने उल्टी कमीज है, हमने सीधी नहीं की है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये गौर से देखिए, ये देखें, और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हम बहुत ही आसानी से हम जो है इस तरह लगाना है, और ये जो सिलाई है बिल्कुल इसके बीच में, यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं, स्त्री से निशान लगा सकते हैं, यहाँ पर पूरे जितना चौक आपने अंदर फोल्ड करना है उस हिसाब से। ये देखें व्यूअर्स, हमें बिल्कुल इस तरह जहाँ आप निशान लगाएंगे उसके ऊपर आपने ये रखना है। इस तरह आप रखते हुए बिल्कुल आपने साइड में रखनी है सिलाई, आप फिक्र नहीं कीजिएगा। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह हमारी ये इस तरह निकल के चली जाएगी। व्यूअर्स, बिल्कुल आपको किनारे पर रखना है ये वाली चीज बिल्कुल, ये देखें इस तरह, और पर्ल खुद ब खुद आगे की तरफ हो जाएंगे जब आपकी सिलाई होगी तो। जो सादा इनर मिलता है वो भी इसी तरह लगता है व्यूअर्स, इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी है क्योंकि ये पार लगे हुए हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा बैलेंस जो है वो अनबैलेंस हो रहा है। कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि सही तरीके से लगाएं, और आप भी इसी तरह कोशिश कीजिएगा। ये देखें, हम यहाँ से इस तरह जब यहाँ पर आ जाएंगे, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, हमने इस तरह फोल्ड करना है, ये वाली चीज इस तरह रखनी है, और यहाँ से जो है हमने ये इनर कमीज को नहीं मोड़ना और बिल्कुल मोड़ लेना है। यहाँ से हम कम रखेंगे, नीचे से ये वाली चीज हम कम रखेंगे व्यूअर्स, ये देखें इस तरह ये किया, और ये सिर्फ इसको मोड़ना है और खुद ब खुद कॉर्नर खुद ही बन जाएगा व्यूअर्स, ये देखें, ये देखें व्यूअर्स, ये देखें व्यूअर्स, हम यहाँ पर जब आएंगे तो इस जगह से हम दूसरे कॉर्नर दूसरे जो चौक पर आ गए हैं, हम बिल्कुल राउंड में लगाते हुए, ये देखें यहाँ से भी हमें, ये देखें यहाँ से पर हमारा चौक है, तो हमें इससे बढ़ाकर तकरीबन 1 इंच बढ़ाकर जो है कटिंग कर लेना है, और इस तरह
यहाँ पर भी उसी तरह लगा लेना है। बहुत ही आसानी से लग जाता है व्यूअर्स। अगर आप पहले अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप पहले बगैर जो पर्ल वाले हैं सादे इनर लगाना सीखिएगा, फिर दूसरी तरफ हम इस तरह मोड़ लेंगे। ये देखें, ये हमने इस तरफ लगा लिया है और दूसरी साइड हम इस तरह रखेंगे फिर, और यहाँ से हम फिर स्टार्ट करेंगे। ये देखें, इधर से इसी तरह रखेंगे। और ये इसी तरह राउंड में हम, आपने चौक का निशान लगा लें, आप जितना आपको जरूरत हो, मीन्स के जितना आपने फोल्ड करना है उस हिसाब से आप निशान लगाएंगे, और ये पूरा में इसी तरह राउंड में लगाते चले जाएंगे। दूसरी साइड से भी हमने ये पूरा लगा दिया है। व्यूअर्स, जब दूसरी सिलाई करेंगे तो हम अपना बूट वापस चेंज कर लेंगे, यहाँ सिलाई लगानी है। ये देखें व्यूअर्स, अब हमें बिल्कुल इस तरीके से रखना है कि यहाँ पर आप प्रेस कर लें, फिर या आपको अगर आपको एक्सपीरियंस है या आप लगाना जानते हैं तो बिल्कुल आसानी से कपड़े को, नीचे वाले कपड़े को इस तरफ रखना है और इस तरह यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, और ये बिल्कुल साइड में जो है हमें सिलाई लगानी है इस तरह। व्यूअर्स, जब हम कॉर्नर पर आएंगे तो हम यहाँ से ये देखें इस तरह रखना है, ये कपड़ा इस तरह बिल्कुल सीधा रखना है, और ये वाली चीज इस तरह, और ये चीज हमें इस तरह फोल्ड कर देनी है। ये हमारा कॉर्नर बन जाएगा। ये देखें, बहुत ही फिनिशिंग से और अच्छा शानदार कॉर्नर बनेगा। ये देखें, और यहाँ से हम सिलाई भी लगा सकते हैं, बाद में तुरपाई भी कर सकते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, आप चाहें तो तुरपाई कर लें इस जगह पर, आप चाहें तो सिलाई लगा लेंगे। देखें, हमारा कॉर्नर बन गया है। इसी तरह हम चारों तरफ लगा लेंगे। ये वापस से हमने यहीं से शुरू करना है, स्टार्ट करना है। ये देखें व्यूअर, इसी तरह हम चारों तरफ कर लेंगे। व्यूअर्स, एक चीज और बताते चलूं, जब हम दूसरे चौक पर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से जब हमें फोल्ड करना है तो यहाँ से इस जगह से जब हम, जहाँ हमारे चौक खत्म होते हैं वहाँ से हमें दो तीन सिलाई से मजबूत कर लेना है, ताकि चौक जो है उतर जाते हैं या फट जाते हैं तो वो मजबूत हो जाएंगे। यहाँ से आपने मजबूत करना है बीच में से, ये बात ध्यान में रखिएगा व्यूअर्स। ये बहुत अहम चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि हमें आनी चाहिए। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये जो इनर है ये लगा चुके हैं हम, और बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और याद रखिएगा कि आपको जो भी सीखना हो आप ज़रूर बताइएगा, हम स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉपर काम शुरू करेंगे। इंशाल्लाह आपको सब कुछ सिखाएंगे जो आप सीखना चाहते हैं। ये शर्ट पर, कुर्ती पर लगाया गया है इनर, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।